satyade.com आजादी समाचार। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव पेटे युवाओं ने जागृत करवा अने गुजरात ना दरेक जिल्लाओं मा भारत ना यशवी वडाप्रधान नरेंद्र मोदी नो संदेशो पहुंचाडवा भाजप ना स्थापना दिवस 6 एप्रिल थी 26 एप्रिल सुधी दरेक जिल्लाओं नी यात्रा करवानु आयोजन कर्यु छे। त्यारे आज आ यात्रा ना 8मा दिवसे युवा मोर्चा ना प्रदेश प्रमुख डॉक्टर प्रशांत कुराट जामनगर थी बाइक पर पोरबंदर ना आंगणे आव्या हता। पोरबंदर मा प्रदेश प्रमुख नु भव्य स्वागत करवामां आव्यु हतु। उपरांत पोरबंदर युवा भाजपना प्रमुख लक्कीराज सिंह वाला सहित ना कुल 1500 थी वधु कार्यकर्ताओ द्वारा 1100 जेटला बाइक सवारों साथे रेली काढवामां आवी हती। प्रदेश प्रमुख डॉक्टर प्रशांत कोराट द्वारा संबोधन करती वखते भारत ने आजादी अपावा माटे पोताना प्राण नु बलिदान आपनार शहीद वीर भगत सिंह सुखदेव ने उपरांत भौमनी रक्षा काजे कोई पण परिस्थिति मां सतत 24 कलाक खड़े पगे सरहद पर उभा रहता जवानों ने याद करवामां आव्या हता। गुजरात प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव यात्रा नु 6 तारीख थी लेने 26 तारीख सुधी आयोजन करेल छे। आज 8मा दिवसे जामनगर महानगर थी शुरुआत करीने आ यात्रा पोरबंदर खाते एटले के महात्मा गांधीजीनी जन्मभूमि खाते आज यात्रा पहुंची छे। यात्रा में नरेन्द्रभाई मोदी साहेबना वडपण हेठळ जे आखो देश आज़ादी का अमृत महोत्सव उजवी रहा छे त्यारे नरेन्द्रभाई मोदी साहेबनो संदेश पहोंचाडवा माटे थईने आ यात्रा बाइक उपर निकळी छे। आ यात्रा में 75 बाइकर्स छे, सहयात्री छे मारा साथे, अलग अलग टेबलो छे। अने आ यात्रा नरेन्द्र भाई नो संदेश युवानों सुधी पहोंचाड़े छे, परंतु जे आ यात्रानो जे जे जिला में जाय छे त्यां स्थानिक समाजना लोको दरेक एसोसिएशनना लोको आ यात्रा ने खूब उत्साहपूर्वक आनो स्वागत सन्मान करे छे। आजे आ यात्रा पोरबंदरनी अंदर पहोंची छे त्यारे पोरबंदरना जिला भाजपना अध्यक्ष भाई श्री किरीटभाई, महामंत्री भाई श्री खीमजीभाई, युवा मोर्चाना अध्यक्ष भाई श्री लक्कीराजसिंह अने धारासभ्य श्री बापभाई, આ બધા લોકોએ આ યાત્રા માટે થઈને છેલ્લા 7 દિવસથી ખૂબ મહેનત કરીને આયોજન કરીને આ યાત્રાનું જે ઉત્સાહપૂર્વક સ્વાગત કર્યું છે ત્યારે આ યાત્રામાં જે અમારો સંદેશ લોકો સુધી પહોંચાડવાનો છે એ સંદેશ અમે પહોંચાડ્યો છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, સત્યડી ન્યૂઝ। અગર તમે આ વિડીયો ફેસબુક ઉપર જોઈ રહ્યા છો તો અમારી ચેનલને ફોલો કરવાનું ચૂકશો નહીં, અને YouTube ઉપર જોઈ રહ્યા છો તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા, જેથી અપડેટ ન્યૂઝ તમારા સુધી પહોંચી શકે।